देख रहे हो भाई, ऐश्वर्य भी मास्क यूज कर रहे, तो क्या आप भी सारे मास्क यूज करो, बिना मास्क के घर से नहीं निकलना। पापा, बिना मास्क तो कार निकल लेते, कोरोना हो जाता हाँ सारे में। जी। तो हेलो जी, जिन्हें भी सुनो देख रहे, सबनों प्यार सत श्री अकाल, नमस्कार, दुआ सलाम। मैं थोड़ा मैं बब्बू संधू। तो आज वही सेम डे एंड सेकंड वीडियो, जैसे मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में, जो YPM के नए गैजेट्स, नए टॉयज जो बिल्कुल खुफिया जगह पे पड़े हैं, सीक्रेट प्लेस पे, कैसे सीक्रेट लोकेशन सीक्रेट लोकेशन पे, वो हम वहाँ पे तो आ चुके हम हैं। पहुंच गए हैं, हमने ढप्पा कर दिया वहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं भाई, भैया क्या क्या कितने के टॉयज यहाँ पे पड़े होंगे कम से कम। देखो यहाँ पे पता नहीं प्राइस तो आपको पता नहीं, मतलब 5 के तो ऊपर ही है। बस तो फिर आओ जल्दी से जल्दी उस रूम में, आपको सारे टॉयज दिखाते हैं क्या क्या टॉयज पड़े हैं, लेट्स गो। तो जल्दी से आओ। सो गाइस, ये आपको कुछ कलेक्शन दिखाते हैं, क्या क्या कलेक्शन है। अभी बॉक्स है, बॉक्स के बाद जो अंदर वाला माल है वो भी मेरी फ्लाइट दिखाते का हैं। बॉक्स है यहाँ पे, हेलीकॉप्टर का बॉक्स है यहाँ पे, मेरी इंजन वाली आरसी कार का बॉक्स है यहाँ पे, मेरा ग्लाइडर का बॉक्स है, और यहाँ पे मेरे फर्स्ट आरसी का बॉक्स जो दुबई से लाया था मैं, एनसी का FS। देन यहाँ पे मेरा अगेन मेरे ग्लाइडर का बॉक्स है। देन से हरे में बॉक्स बॉक्स पड़े हैं, बाकी यहाँ पे मेरा है ट्रैक्सस की आरसी का बॉक्स, और यहाँ पे पड़ा और हुआ ये है ट्रैक्टर असली पंजाब का देसी खजाना भाई, हमारा ट्रैक्टर पंजाब दी जो शान। कि चंडीगढ़ से लाया था। यो देख और रहे हो इससे भी आप। चीज दिखाऊं, सबसे ज्यादा बड़ी चीज रेयर रेयर ऑफ द रेयर है हाँ, ये रही, ओ भाई ये सी वाला, विंट, ये मैं मलेशिया से लाया था। ये तो भाई इसका देख। खजाना है कहाँ, दिखाता हूँ, वेट करो ध्यान से। तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे पिचकारी वॉक्सकारी बड़ी है। तो ये तो सारे बॉक्सेस बॉक्सेस के मजा नहीं आया हुआ, अभी कांकड़ सारा समझ जाओगे जल्दी से सारा समझ। चलाओ तो तो देखो ये ये तो मेरा विंग है आरसी प्लेन का, जो तेरा कि विंग है, है। हाँ मेरा विंग है, तेरा ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे इसकी विंग बॉडी से जाती है, तो ये कुछ ऐसा देखो साइज में है, बाकी इफ यू कंपेयर माय हाइट विद दिस 6 फीट ऑलमोस्ट है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरी आरसी कार है, यहाँ पे मेरा हेलीकॉप्टर जो कि दुबई से आया है, यहाँ पे पड़ा हुआ है नाइट्रो फ्यूल। अब यहाँ पे आपको बताया था दो तरह के मेरे पास फ्यूल है, एक तो ये फ्यूल है जो कि मेरा डलता है प्लेन के अंदर ही, प्लेन का फ्यूल मेरा अलग है, ठीक है। ये जो मेरा फ्यूल है ये है मेरा इंजन वाली आरसी कार का, ये अलग है थोड़ा, मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्वालिटी का थोड़ा फर्क है, बट स्टिल दोनों अलग अलग टाइप चलते हैं। बाकी ये है मेरी फास्टेस्ट आरसी कार जो कि है JLB चीता। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट आरसी कार, की बहुत तेज चलती वाली जो आरसी कार है, आपको दिखाता हूँ ना करके। तो यू कैन नोटिस यहाँ पे एक व्हीली बार है, जब भी कार चलती है तो इससे बहुत तगड़ा पिकअप था, कार जो है पूरी व्हीली मार जाती है। तो यहाँ पे इसके टायर जो पूरे वो बड़े होते हैं, इसके टायर जो चलती है, तो नेक्स्ट व्लॉग इसी पे आने वाला है फिर अपना, ठीक है, बना लेंगे जल्दी। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये है भाई असली खजाना, तो ये देखो, ये वही खजाना है, 8 फुट लंबी, ये मेरी यॉट है, बहुत ही चलती है। एंड ये उसके भाई राइट में पड़ा हुआ एक और खजाना, ये सबसे पीछे देखो बिल्कुल, ये मेरा आरसी प्लेन जो कि इसमें इंजन लगा हुआ है 10 सीसी का, 15 सीसी का अंदर इंजन लगा हुआ है जो कि पूरा घूमता है, और ये OS कंपनी का इंजन है इसके अंदर। यहाँ पे मेरी बाकी आरसी का ये कितनी स्पीड तक चले जाते हैं, जो प्लेन जो है प्लेन का डिपेंड करता है, सपोज तो आप देखा यार नीचे की तरफ तो स्पीड पकड़ लेगा, मतलब आई गेस चला आता होगा उसको, इसको टॉप इसको जो टेक ऑफ स्पीड चाहिए कम से कम चाहिए 100 किलोमीटर पर आएगी टेक ऑफ स्पीड, भाई 100 किलोमीटर इसके लिए पूरा चाहिए आपको एक एयर फील्ड, यानी कि कुछ भी टेक ऑफ करवा दिया ओके ठीक है। बाकी इसका मेरा रिमोट भी जो कि मेरा फ्लाई स्काई का रिमोट है। चलो स्टार्टिंग है देखो प्लेन की, वो ये है जो कि मेरा A380 वाला प्लेन है जो कि थर्मोकॉल का बना हुआ है। अब अगर बात करूँ कि इसका जो मॉडल बेसिक मिलेगा सेम बड़े वाले साइज के अंदर, तो कम से कम मिलेगा 8-9 लाख रुपए का, होगी बेसिकली होता है इस तरीके आती है बहुत ज्यादा बैलेंसिंग सारे प्लेन्स में, मेनली आपको चलते हैं सेसना टाइप प्लेन सारे आज प्लेन के अंदर, तो इसलिए मैंने ये लिया था थर्मोकॉल के अंदर क्योंकि मैंने तो दुबई से, तो ठीक था ये वाला प्लेन भी। बाकी आपको थोड़ा बाकी यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है रेसिंग ड्रोन देख लो इसमें। सो यार आज का दिन बहुत थकान भरा रहा, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा, मैंने आज YPM के सारे टॉयज दिखाए यार, बहुत अच्छी, और इतने टॉयज की कलेक्शन मैंने शायद अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी, इतने बड़े बड़े टॉयज, इतने गैजेट्स जो है उसके बाद, वाकई मेरे उसको बहुत शौक है गैजेट्स का, टॉयज का, ड्रोन्स का, तो ये सब तो आपने देखा। तो अब फाइनली मैं घर पहुंच गया, रात के बज गए इस टाइम से 9, 9:30 बज गए हैं, तो पूरा थकान भरा दिन रहा आज, पर मज़ा बहुत आया इतनी चीज़ें देख के। सो फाइनली मैंने एक आपको आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता था कि मैंने ना एक मास्क ऑर्डर किया था, मेरे को जो उसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े, रिव्यूज़ पढ़ने मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो जो उसमें फीचर्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ मास्क क्या। ये है वो मास्क कोरोशील्ड SN95, अगर आपको भी परचेज करना था आप इसको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, इसमें आप डालना कोरोशील्ड SN95। एक तो सबसे पहले आपको मास्क की खासियत बताता हूँ, मास्क की खासियत सबसे पहले ये है कि 6 लेयर मास्क है, बट जब आप इसको यूज करोगे, आप डालोगे तो आपको फील करेगा कि आप बिल्कुल 4 लेयर मास्क डालोगे, आपको ब्रीदिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये वॉशेबल मास्क है, एंड इसको आप 40-50 टाइम्स वॉश करके आप इस मास्क को यूज कर सकते हैं,
तो आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ मास्क में और क्या क्या फीचर्स हैं। सो ये है मास्क, इसकी क्वालिटी देखिए आप, बिल्कुल ब्रीथ करने में इतनी आसानी होगी आपको। ये इनका लोगो है, ये यहाँ से आप पहचान सकते हैं कौन सा मास्क है। कोरो शील्ड SN95 स्कोट कंपनी का है। और एक तो इसमें ये जो आप कट्स देख रहे हो इसके, बिल्कुल जैसे हम लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, लगाते हो तो ये आपको एक तो ये मास्क की खाली तो कटिंग देखिए आप, बिल्कुल ऐसे आपके ऊपर ऊपर से ऐसे कटेंगे बिल्कुल, जो आंखों के अंदर नहीं आते। नॉर्मल मास्क जो है हमारे आँख के अंदर आते हैं, तो ये मास्क जो है आँख के अंदर नहीं आता। और इसमें नोज पिन भी लगी है, बिल्कुल नोज पे लगाते हैं, नोज के हिसाब से इसको तो ऐसे एडजस्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा मास्क है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है मास्क के अंदर। इसमें सिंगल पीस की पैकिंग है, 3 पीस की पैकिंग है, 5 की है, 7 की है, 10 की है। जितने आप ज़्यादा पीस की पैकिंग लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे आपको 10% तक इस मास्क के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है ना भाई। और एक जो नॉर्मल मास्क जो हमारे होते हैं उस मास्क से इसमें डिफरेंट क्या है जो इस मास्क को डिफरेंट बनाता है, एक तो SITARSA अप्रूव्ड है मास्क, देन उसके बाद 14 ग्राम वेट है सिर्फ मास्क का, कि जिससे हमें मुंह पे डाले कोई हैवीपन या ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम इस चीज़ में कुछ नहीं, क्योंकि इसका 6 लेयर जो है आपको बिल्कुल ब्रीथ लेने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत मोटा मास्क डाला हुआ है, आपको ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है मास्क के अंदर। तो आप, मैं सजेस्ट ये करूंगा आप ये मास्क परचेज करें एंड यूज करें। सो आपको एक बात और बता दूं, ऐश्वर्या ने तो ये मास्क भाई सुबह का खोल रखा, आपने सोते जब पैकेट आया तभी खोल लिया था मास्क का, हैं? लगा के दिखाओ आपको कैसा लगता है मास्क, ऐश्वर्या का मास्क कहाँ है? देख रहे हो भाई ऐश्वर्या ये मास्क यूज कर रहा, तो क्या आप भी सारे मास्क यूज करो, बिना मास्क के घर से नहीं निकलना। हाँ जी, तो आपने बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना, बच्चा समझदार है, तो यार आप लोग भी समझदार हो ही हो, तो प्लीज आप मास्क यूज करें और आप भी बचे, अपने घर वालों को भी बचाएं, क्योंकि आज के टाइम में लाइफ लाइन है यार हमारी, ठीक है ना गाइस। सो इसी नोट के साथ आज वाला वीडियो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, है ना। तो जल्दी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।